नमस्कार, शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय है, लगातार चर्चा में रहा पूर्वोत्तर भारत। यूँ तो पूर्वोत्तर भारत अपनी संस्कृति, संसाधनों आदि से चर्चा में बना रहता है, परंतु इस बार चर्चा का कारण है असम व मिजोरम के बीच बढ़ता सीमा विवाद। उम्मीद है अभी तक आप सीमा विवाद के कारणों से परिचित हो ही चुके होंगे, अतः इस बिंदु को संक्षेप में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। असम व मिजोरम का सीमा विवाद आज का नहीं है, इसकी जड़ें ब्रिटिश काल में दबी हैं, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इंडो बर्मा युद्ध जीतने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया गया और बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया, जिसका तर्क दिया गया कि यह जनजातीय हित व संसाधनों की सुरक्षा के लिए है। पर असल बात तो यह है कि इसकी आड़ में ब्रिटिश अधिकारी पूर्वोत्तर भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे थे। कालांतर में 1875 व 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दो अधिसूचनाएं जारी की गईं और असम का विभाजन सुनिश्चित किया गया, जिसमें असम व मिजोरम के सीमा विवाद के बीज भी छुपे हैं। जहां मिजोरम 1875 के अनुसार अपने क्षेत्र का दावा करता है, तो वहीं असम 1933 की अधिसूचना का हवाला देता है। अतः यह विवाद ब्रिटिश काल से अब तक चलता आ रहा है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर बाकी सभी बिंदुओं से आप परिचित हो ही चुके होंगे, तब हम असम व मिजोरम के सीमा विवाद से आगे बढ़कर के प्रेक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो भूगोल और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है, जो कि संख्या में 7 है। यहाँ ध्यान रहे कि असम सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता, बल्कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। असम भूटान व बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा निर्धारित करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। यदि बांग्लादेश की बात करें, तब पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ भूटान की स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य असम व अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें डिब्रू सोखाओ, असम काजीरंगा नेशनल पार्क असम, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी मुख्य है, मानस नेशनल पार्क असम, नामेरी नेशनल पार्क असम। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और असम का ओरंग नेशनल पार्क, मेघालय में नेक्रोक नेशनल पार्क और मणिपुर का किवुल लामजाओ नेशनल पार्क। किवुल लामजाओ नेशनल पार्क को दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क माना जाता है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो मणिपुर के इम्फाल में मिलता है। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा और पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। उसी के साथ साथ यहाँ पर पीछे कुछ समय में हुलोंग गिब्बन काफ़ी चर्चा में रहा, अतः हुलोंग गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के जोरहाट में, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के तिनसुकिया में, और अंत में पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके अरुणाचल प्रदेश में। परीक्षा की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के कुछ पहाड़ियाँ जैसे गारो, खासी, जयंतिया, नेक्रोक हिल्स, मिजो हिल्स आदि भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिनके हम अगले लेक्चर में या अगले ऑडियो आर्टिकल में चर्चा करेंगे। आप अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आपको यह ऑडियो आर्टिकल पसंद आया है, तब कृपया हमारे चैनल शकुंतलम ज्ञानोदय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।